य गुड इवनिंग एवरी वन अ स्मॉल टॉपिक वॉज लेफ्ट देट इज मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट विच इज़ अ फिजिक्स चैप्टर फ्रॉम क्लास टेंथ सो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स बेटा आपको पता होना चाहिए चाहिए कि हमारी बॉडी भी बहुत ही वीक आयानिक करंट प्रोड्यूस करती है राइट एक्सट्रीमली वीक आयनिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर बाय द मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल और उन्हीं चार्ज पार्टिकल को हम कहते हैं आयंस और इस करंट को हम कहते हैं आयनिक करंट तो इसका मतलब है कि जब भी और अभी अभी हमने ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से सीखा कि अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ मैग्नेटिज्म भी होगा तभी कंपस नीडल में डिफ़्लेक्शन हुआ था क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो अभी मैंने आपको बताया हमारी बॉडी के अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है वीक आयनिक करंट ही सही ठीक है ना पर करंट फ्लो हो रहा है तो यानी कि बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिज्म होगा राइट तो बॉडी भी मैग्नेटिक अफ़ेक्ट शो कर सकती है तो मैं आपको बता देता हूँ यानी कि जब भी वीक आयनिक करंट फ्लो होगा अलोंग द नर्व सेल्स तो वो प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि हम कभी किसी चीज़ को छूने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो नर्व्स हैं वो एक तरह का इलेक्ट्रिक इम्पल्स अप्रोप्रिएट मसल्स तक कैरी करती हैं और यही इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो एक टेम्प्रेरी मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है और ये जो मैग्नेटिज्म है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ये काफ़ी वीक होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ्स मैग्नेटिज्म अर्थ के मैग्नेटिज्म से कंपैरेटिवली काफ़ी वीक होता है तो कौन सी दो मेन ऑर्गन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर करंट शो करती हैं मैग्नेटिज्म शो करती हैं आप कह सकते हैं तो द टू मेन ऑर्गन्स वो हैं हार्ट और ब्रेन राइट द टू मेन ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी वे आर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट आर हार्ट एंड ब्रेन जो भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो एक बेसिस फॉर्म करता है टेक्निक एमआरआई आपने मूवीज में कई बार देखा होगा कभी भी ब्रेन के इंटरनल पिक्स होने लगती है इंटरनल कोई इंजरी है ब्रेन की स्कैनिंग करनी है देखो दो तीन चीज़ें होती हैं पहले एक्सरे होता है फिर सी स्कैन होता है ठीक है फिर एम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस एम अधिकतर ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स के लिए भी यूज होता है पर बॉडी में भी कहीं कुछ देखना है डॉक्टर ने इंटरनली तो भी एम यूज़ कर सकते हैं सबसे बेस्ट टेक्निक है थोड़ी कॉस्टली भी है द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी बाय द फ्लो ऑफ फाइनिक करंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ टेक्निक इसे कहते हैं एम यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये यूज़ होती है पिक्चर्स या इमेजेस ऑप्टेन करने के लिए जो इंटरनल पार्ट्स में है हमारी बॉडी के ये चीज़ ऑब्वियस है कि मैग्नेटिज्म का बड़ा इम्पॉर्टेंट यूज़ है मेडिकल डायग्नोसिस में क्योंकि एम स्कैन के द्वारा ही डॉक्टर हमारी बॉडी के अंदर देख सकता है एग्जाम्पल के तौर पर एम से हम कैंसरस टिश्यूज़ बॉडी के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं आपको ये नोट करना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिज्म है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एक्चुअली इलेक्ट्रो है विच इज़ प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ आइनिक करंट देखो ये चैप्टर यही है कि अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो सकता है और कहीं मैग्नेटिज्म है तो हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं ठीक है ना ये चैप्टर यही है जो कई पार्ट्स हैं वो इसमें जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह ओमिट हो चुके हैं ये ध्यान रखना पर फिर भी ई के बारे में मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के समझाऊंगा इससे पहले कि हम फर्दर जाएं और डिस्क्राइब करें कि जो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक्ट कर रही है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखा है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे कि वॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी गैस कीजिए वीक आयनिक करंट मैंने अभी बताया था बहुत वीक आयनिक करंट फ्लोर है हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में शो करते हैं नेम वन मेडिकल टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी फॉर वट परपज इज दिस टेक्निक यूज तो अभी अभी मैंने आपको इस टेक्निक का नाम बताया एम आर आई जिसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक बार मैं लिख देता हूँ मैग्नेटिक रेजुनेंस इमेजिंग ये इसकी फुल फॉर्म है राइट ध्यान रखना का शिश ओके नेम टू ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स वे आर मैग्नेटिज्म इंड्यूस सिग्नीफिकेंट बताइए हार्ट एंड ब्रेन अभी अभी बताया था मैंने हार्ट एंड ब्रेन ठीक है फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की ऑलरेडी बता दी एम की मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नेम द टेक्निक बाय विच डॉक्टर कैन प्रोड्यूस पिक्चर शोइंग इन साइड द ह्यूमन बॉडी ये भी एम है बेटा ठीक है फिर याद रखना हड्डी टूटे तो एक्सरे अल्ट्रासाउंड भी होता है एक्सरे फिर अल्ट्रासाउंड फिर सीटी स्कैन फिर एमआरआई ये चार टेस्ट होते हैं इसमें से एमआरआई सबसे कॉस्टली है और सबसे बढ़िया बॉडी के इंटरनल पिक्स यही देता है जो फीटस की ग्रोथ के लिए प्रेग्नेंट वीमेन के केस में एक्सरे नहीं कराते राइट वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं क्योंकि एक्सरे की जो रेज होती है हार्मफुल हो सकती है फीटस होता है द बेबी विच इज़ इनसाइड द वम ठीक है नेम वन टेक्निक विच कैन डिटेक्ट कैंसरस टीशूज इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पर्सन एक टेक्निक बतानी है जो कैंसरस टिश्यूज सेम टेक्निक है एम क्लासेस के आगे के जो वीडियो है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रिक मोटर पर वो बन रखें आप चाहें तो देख सकते हैं थैंक यू